जिंदाबाद जिंदाबाद। बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, हमारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सब भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और समर्पित हैं। पिछले 2.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस बुलंदी पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया, लेकिन 11th आवर में आकर के और बाहरी प्रत्याशी का चयन करने का औचित्य क्या है? यदि भारतीय जनता पार्टी में की छवि अच्छी है और बड़ा रोष है, मतलब है बहुत छवि है और जीतने के कगार पर है, तो क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी जो बदनाम है प्रत्याशी उनको लेने के लिए, जैसे नंदगोपाल गुप्ता नंदी हैं या अभिलाषा गुप्ता हैं या और प्रदेश में विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है? यह बहुत ही घटिया कार्य है। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत गहरा रोष है, व्याप्त है, और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं कि ऐसा न करें तो बिहार वाली स्थिति और दिल्ली वाली स्थिति यहाँ उत्पन्न होगी और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के सपना देख रही है वह अधूरी रह जाएगी। और वैसे भी कहावत है कि ठंड में हाथ और घमंड में दिमाग काम नहीं करता, और हमारे ख्याल से राष्ट्रीय नेतृत्व के घमंड हो गया है और ये इसका खामियाजा भोगेंगे। मैं विजय मिश्रा, इलाहाबाद।